अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि टर्टल अंडे कब और कैसे देता है। आज का मेरा टॉपिक यही है कि टर्टल जो है वो अंडे कब और कैसे देता है। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का दमदार वीडियो। तो देखिए दोस्तों, टर्टल जो है वो पहले टर्टल जो है मैं पहले आपको बता दूं, दो टाइप के होते हैं, कछुए टर्टल और टॉर्टोइस। टॉर्टोइस और टर्टल जो है दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो मेरे पास है ये है टर्टल, या फिर आप इसे कह सकते हैं टॉर्टोइस, जो मेरे पास अभी मौजूद है। ये देख सकते हैं इसके जो इसकी जो मुंडी है और इसके जो पंजे हैं उससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर टर्टल जो होता है उसके पास ऐसे पंजे नहीं होते, उसके पास सिर्फ स्विम करने के लिए जो हम फ्लैप जो कहते हैं वो होते हैं, उसके पास इस तरीके के पंजे नहीं होते। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से उसके पास पंजे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप टर्टल और टॉर्टोइस में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरा तो है अभी टॉर्टोइस। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्टल है वो अंडे किस तरीके से देता है। तो अंडे इसके अंडे देने के लिए आपको एक और एक टर्टल होना होगा, जिसमें ये दो इन दोनों को आपको एक साथ 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना होगा। उसके बाद इसको आप किसी भी मिट्टी वाली जगह पे छोड़ सकते हैं। ये वहाँ पर जाकर जो है पहले तो ये जगह का जो है वो सिलेक्शन करता है कि ये किस जगह अपना घोंसला बना सके। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो है हर जगह पर अंडे नहीं देते। ये जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे धूप और सब कुछ अच्छे से आ रही है, इनके अंडों को कहीं ख़तरा नहीं है, जब ये नेस्ट बनाना शुरू करता है। और मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इसे मिट्टी में रखते हैं तो मिट्टी में इसे आप कुछ सॉफ्ट वाली मिट्टी में रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो सॉफ्ट वाली मिट्टी और घास घास जो है ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इसे यहाँ पे रख देना है। छोड़ देने के बाद ये जो है अपना प्लेस को सिलेक्शन करने के बाद ये जो है घोंसला बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद ये उसमें अंडे देकर उसमें ये डालकर चले जाएगा। आप देख सक आप उसके बाद आप 90 डेज के बाद देख सकते हैं खुद बहुत वो अंडे जो है हैच हो जाएंगे। उसके बाद उसमें से टर्टल्स छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाएंगे जितने भी वो अंडे देगा। ये देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि मेल जो है एक बार में सिर्फ 4 से 5 अंडे देता है, और फीमेल जो होता है, फीमेल हम जिसे कहते हैं, वो एक बार में 20 से 25 तक अंडे दे सकती है। ये देख सकते हैं आप लोग जिस तरीके से ये जाकर बैठ रहा है, इसके नीचे ये चला गया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं। और नॉर्मली जो समुंदर के जो कछुए होते हैं वो नॉर्मली जो है समुंदर के तट पर आते हैं, आकर डायरेक्ट उसमें कहीं भी अंडे देकर चले जाते हैं। आपको बता दूं कि जब ये बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा ख़तरे होते हैं चील से, कौवे से, बिल्ली से, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास छोटे टर्टल हैच हो चुके हैं तो आप उन्हें किसी भी सॉफ्ट जगह पे रखें, सुरक्षित जगह पे रखें, ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी से हो सके। और आप स्टार्टिंग में उन्हें फ़िश फूड ही दें, कोई और फूड ना दें, जिससे कि वो नहीं खा पाएंगे, वो चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो होप करता हूँ आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो
अच्छी लगी हो। कि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।